नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। डेढ़ घंटे पैदल चलकर मलाना पहुंचे सीएम, अग्निकांड में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, पीड़ित को हर संभव मदद कर दिया भरोसा। राज्य सरकार पर कांग्रेस हमलावर, महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस, 14 से 28 नवंबर से चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। किसानों को लेकर सरकार गंभीर, किसानों की आय में बढ़ोतरी को लेकर उठाया कदम, 10,000 नए AFPO बनाने की मंजूरी। कंगना के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेसी प्रवक्ता ने कंगना के पढ़ाई देशभक्त की पाठ, कंगना पर लगाया शहीद को अपमानित करने का आरोप। और शिमला में सीएम से मिले शहीद के परिजन, सीएम के नाम पर गेट बनाने की उठाई मांग, सीएम के घोषणा के बाद अभी तक कार्य नहीं हुआ पूरा। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। करीब डेढ़ घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़कर सीएम जयराम ठाकुर शुक्रवार को कुल्लू जिले के मलाना गांव पहुंचे हैं। हिमाचल के इतिहास में जयराम ठाकुर पहले सीएम बने चुके हैं जो चलकर मलाना गांव तक पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके लिए राहत योजनाओं का ऐलान किया है। 27 अक्टूबर को मलाना गांव में हुए भीषण अग्निकांड में 16 मकान जलकर राख हुए थे। इस अग्निकांड में करीब 57 परिवार प्रभावित हुए थे। सीएम ने लोगों से कहा कि संकट के समय में आपके बीच नहीं पहुंच सका, यह बोझ मेरे मन में था। हालांकि वीडियो कॉल के माध्यम से मैंने उस दौरान भी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने लिए बेहतरीन कार्य किए हैं। मेरे मन में हमेशा इस इच्छा थी कि मलाना जाकर देवता जमुली का आशीर्वाद लेना है। सीएम अग्निकांड से प्रभावित हुए परिवारों की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए राशि देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम आप लोगों के साथ हैं। इस दौरान सीएम ने मलाना गांव तक सड़क बनाने के निर्देश दिए और कहा कि जब भी सर्दियों के बाद यह कार्य शुरू होगा, उन्हें 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगली बार जब मैं आप लोगों के बीच आऊंगा तो सड़क मार्ग से आना होगा। इस दौरान सीएम ने मलाना गांव वासियों के लिए करोड़ों की घोषणाएं भी की है। मलाना एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल ही नहीं पूरे भारत में भी ये गांव अपनी संस्कृति के नाम से अलग तरह से भी अपनी पहचान रखता है। पिछले दिनों यहां पर भीषण अग्निकांड हुआ, 36 मकान जल करके राख हो गए, और इसके अलावा 5-6 मकान और भी जो है वो उनको भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ। उस दिन मेरी पंचायत के लोगों के साथ यहां पर बातचीत हुई, महेश्वर सिंह जी के साथ भी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद मैंने वादा किया था कि मैं आपके गांव जो है कुछ दिनों के बाद जरूर पहुंचूंगा। उसके पश्चात क्योंकि उन दिनों कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो इसलिए उन दिनों में आना उचित नहीं था उस दृष्टि से। आज मैं यहां पर इस गांव में आया और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मलाना के गांव में जो ऐतिहासिक दृष्टि से जाना जाता है, पहचाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, देव संस्कृति के लिए भी, उस गांव में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि जगदम्बनी का भी आशीर्वाद लिया, लोगों से भी दर्शन, यहां पर लोगों के भी दर्शन हुए, और जितने भी परिवार यहां पर प्रभावित हुए हैं अग्निकांड की वजह से, 36 मकान जो जल करके राख हुए, सभी को, 36 मकान के जो लोग हैं उनको सरकार की ओर से पहले भी हम मदद कर चुके हैं, कुछ कपड़े दिए हैं, कुछ इसके अतिरिक्त जो बर्तन दिए हैं और रहने के लिए जो और व्यवस्था मदद कर सकते थे वो भी की है, टेंट्स दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस सरकार महंगाई को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए
कांग्रेस जागरूकता अभियान चलाएगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें ना तो सीएम और ना ही कोई मंत्री शामिल है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन परंपराओं का निर्वहन करना आवश्यक है। कांग्रेसी जनता ने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में सफल रहा है। और आपको बता दें कि जागरण कार्यक्रम चल रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे और लोगों से जाके मिलेंगे, बात करेंगे और देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनके बारे में इन समस्याओं से लोगों को अवगत कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है उससे भी लोगों को जो है जानकारी देंगे। मैंने स्वयं भी निर्णय लिया है कि मैं हिमाचल प्रदेश में वो जिले, कुछ पूरे जिलों में जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जिन चुनाव क्षेत्रों में हम जो है काफी समय से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, मैं उन चुनाव क्षेत्रों में 14 तारीख से शुरू कर रहा हूं, खुद जाकर पदयात्रा करूंगा ताकि संगठन की कमियों को की भी पहचान की जा सके और संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। शहरी विकास और सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कृषक उत्पादक संगठन बढ़ाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सहकारिता विभाग कृषक उत्पाद संगठन के लिए विशेष नियम बनाने, जिससे किसी भी प्रकार की दुविधा ना रहे। उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पाद संगठन केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अधोसंरचना का निर्माण और किसानों की आय को बढ़ाना है। सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से हिमाचल में कृषक उत्पाद संगठन योजना का विस्तार के बारे में चर्चा हुई है। राज्य में पिछले एक महीने में 18 FPO बनाए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 10,000 नए FPO बनाने की मंजूरी दी है। इसी कड़ी में प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 100 संगठन बनाने का फैसला लिया है। हर संगठन में कम से कम 100 किसान बागवान शामिल करना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश में पहले से गठित करीब 40 कोऑपरेटिव सोसाइटी को AFPO के तौर पर तब्दील करने की योजना है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आज की आवश्यकता है, क्योंकि कृषक जो है वो मेहनत करता है, उत्पाद पैदा करता है, लेकिन उसके विपणन का जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रबंध नहीं हो पाता है। आज विशेष रूप से जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जो मार्केटेबल पदार्थ होते हैं, उनके लिए मार्केट्स पैदा करना, उसकी व्यवस्था करना और उसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी स्थान पर जो है वो बन जाए जहां पर उत्पाद पैदा होता है, इसकी जो है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो एक बहुत बड़ी स्कीम जो है वो पूरे देश भर में लॉन्च की है और उसमें 10,000 FPO सारे देश भर में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गलवान घाटी में 15 से 16 जून 2020 को चीनी भारतीय सैनिक के बीच हुई मुठभेड़ में देश के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इसमें प्रदेश के हमीरपुर जिले के कोरहरता गांव के 21 वर्षीय अंकुश ठाकुर ने भी शहादत प्राप्त की थी। उनकी शहादत पर सीएम जयराम ठाकुर ने शहीद के पैतृक गांव करोहता पहुंचकर ढांढस बढ़ाया है। सर, मैं मिला, लेकिन मैं आज यहाँ मिलने आए और ये हमें टीस्टी मिल पर से गाँव खोलता
जिन वहाँ से मिलने के लिए आए थे, और इसमें जो अमर शहीद अंकुश के नाम पर जो स्कूल का नाम हुआ है, हम उसमें अंकुश का एक मूर्ति बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सीएम साहब वहाँ पे आए, उसके लिए बोलने के लिए आए थे उनको यहाँ पे, और उनके इसमें यहाँ पे कार्ड भी दिया। और जो कुछ एक हमारी घोषणाएँ थी जिसमें जो इसमें वहाँ पे मुख्य द्वार बनना था वहाँ पे वो नहीं बना अभी तक, और इसमें वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है वो अब लेटर होना था वो भी नहीं। हम चाह रहे हैं कि यानी उसका जो ये हॉस्पिटल का जो नाम है अंकुश के नाम पर होना चाहिए, इसके लिए है। लेकिन सीएम साहब ने इसमें वहाँ पे गेट का मार्क किया और इसमें वो किया नहीं, वो गेट वाला हो जाएगा। और जो हॉस्पिटल का वही बताया कि यानी इसका भी एन हो जाएगा बस। तो आपने सीएम साहब को वहाँ पे सीएम साहब ने क्या किया? हाँ सर, इसमें पहले तो मैं आऊँगा और मैंने आप लेटर डालेंगे क्या है क्या नहीं। और मैंने अभिनेत्री पद्मश्री कंगना रनौत के बयान असली आजादी तो 2014 के बाद मिली, इस बयान पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने रोष व्यक्त किया है। मणिकर्णिका फिल्म में रानी झांसी का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक के सभी भारत के महान देशभक्तों पर अपमान किया है। इस देश की आजादी के लिए देशभक्तों ने अपना सर कलम किया है। ही तो मैं कंगना जी से पूछना चाहती हूँ कि वो सच में क्या गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये चाटुकारिता भरा बयान है। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि चाटुकारों की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह का इन्होंने ये बयान दिया है, देश के जो हमारे देशभक्त हैं उन सभी का उन्होंने अपमान किया है। आपने देखा कि किस तरह से मणिकर्णिका में जिस तरह से रानी लक्ष्मी बाई की उन्होंने भूमिका निभाई है, तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक जो भारत छोड़ो आंदोलन तक के जितने भी हमारे नेता हैं उन सभी का उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने जो भी नेता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक इस देश की आजादी को दिलाने में दी है, उनकी आजादी को हम लोग उनके बलिदानों को हम लोग जो है वो भुला नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कह सकती कि कंगना जी देश की आजादी के मायने क्या रखती है। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।